सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आइए अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, इस पे ये पिलर बना दिए जा चुके हैं और ये इस पे बनाया जा रहा है अंडरपास। दोस्तों तो फ्लाईओवर के अंडर ऊपर ही अंडरपास बनाया जाएगा, यानी कि पिलर के ऊपर दोस्तों। और यहाँ से जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आपको मुंडर का मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है KCP, देख सकते हो आप लोग तस्वीर है। और आगे चलते हैं और आपको लोगों को दिखाते हैं चल के, देख सकते हो एक साइड के ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, एक साइड ये पिलर बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इन पर पियर कैप का काम किया जाएगा, फिर इन पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों, और तब जाके ये अंडरपास बन जाएगा। और साइडों में देख सकते हो ये RE पैनल्स को भी लगाया जा रहा है और उस पर मिट्टी और रेता डाला जा रहा है ऊपर की साइड में दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, कुछ ये है नज़ारे और आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा है कि ग्राउंड पे आकर भाई साहब किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है आप लोग खुद ही लगा सकते हो। देखो ये दंदल पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, किस तरीके से यहाँ तक आने में और इसको निकलने में, वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या ही बताएँ दोस्तों। तो इसीलिए आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाइक कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, नीचे कमेंट करके बता दिया करो। एक कमेंट करने में क्या ही जाता है आप सभी का, बताओ आप सभी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करो दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखो जो डंपिंग यार्ड में जो ऊँचे ऊँचे कूड़े के ढेर हो रहे हैं दोस्तों, उन्हीं को काट काट के, मतलब उनका मिक्सचर करके और यहाँ पर फैलाया जा रहा है। फैलाने के बाद में फिर इस पर मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर रोरी बजरी की लेयर डाली जाती है, उसके बाद में दोस्तों DBM की लेयर डाली जाती है, उसके बाद में दोस्तों ब्लैक टॉप किया जाता है। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। देख सकते हो UR2 को बनाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइडों में आप देखेंगे तो यही हाल है देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। क्योंकि इस पेड़ को ऊपर ऊपर से छांट दिया था दोस्तों, लेकिन अब इसकी अभी जड़ निकाली जाएगी, और जड़ निकाली जाएगी इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर यह रैंप बनाया जाएगा। देख सकते हो कि कितना ही यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, देखो आप लोग खुद ही। उधर से ही ले लेना पल्ली तरफ से, बड़ा रास्ता वहाँ, या इधर से ही ले लो। देखो ऐसा बनाया जा रहा है ये UR2, देखो ये DBM की लेयर हो चुकी है, इस पर ये ब्लैक टॉप कर दिया है इन्होंने। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। अभी देखो बीच में ये एक्सटेंशन लाइन आ रही है, इसको भी शिफ्ट किया जाएगा साइडों में। देखो वो खंभे लग चुके हैं पल्ली तरफ वाले, तो ये लाइन उस खंभे पर पहुंच जाएगी। अभी ये भी काम किया जाएगा क्योंकि ये बीच उसमें आ रही है हाईवे के बीच में, तो इस वजह से ये इसको शिफ्ट किया जाना है दोस्तों। एक साइड का तो शिफ्ट हो चुका है, दूसरी साइड का शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों। तो आगे ये भी यहाँ पर भी अंडरपास बनाया जा रहा है, देखो ये है, देखो कूड़ा, ठीक है ना, ये कूड़े को काट काट के यानी पिन्नी सब ये रोडों में ही लगाया जा रहा है, ताकि कूड़े का जो पहाड़ है दोस्तों, एक तो हमारे क्या नाम है गाजियाबाद में है, एक दिल्ली में है दोस्तों, दो दो कूड़े के पहाड़ और काफ़ी ऊँचे ऊँचे, तो इसी तरीके से इनको ये रोड के नीचे बिछा दिया जाएगा और फिर इन पर रोड रोलर चलाया जाता है दोस्तों। मतलब कि आधी मिट्टी है आधा पिन्नी है, तो यही है दोस्तों। इसमें मिक्स करके इनको देखो काटा जाता है और फिर मिक्सर करके फिर इनको लाया जाता है, ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है अंडरपास दोस्तों, वो सॉरी अंडरपास क्यों, देखो ये एक अंडरपास बनाया जा रहा है BOP दोस्तों, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पार्टों में ये बनाया जा रहा है BOP, काफ़ी बड़ा है। देखो अब इसकी जो बाल है वो ऊपर को उठाई जा रही है,
उस पर भी देखो सेटरिंग लगी हुई है, वो भी उसे भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते हुए ऐसे ही चलेगा आगे। तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के आप सभी को। और ये है दोस्तों रामा विहार, और ये रामा विहार देखो अंडरपास बनाया जा रहा है, यानी कि बीयूपी देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा ये बीयूपी को बना रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देखो आप लोग। अब ऐसे ही इधर हम चलेंगे बनाते हुए आगे आगे देखते चल के क्या कुछ पार्क चल रहा है इस पे। इधर तो है नहीं रास्ता, इधर ले लो पीछे को, इधर 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 देखो, इधर ये ऐसा घूम जाता है द्वारका के लिए। चलते हैं इधर ही दिखाते हैं चल के। और देखो ये जो ये बीच में आ रही है स्ट्रीट लाइट, इसको हटाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये देखो मतलब फाउंडेशन बना दिया है इन्होंने, पियर पाइलिंग का काम हो चुका है। और देखो यहाँ पर यह अंडरपास बनाया जाएगा, और इधर का जो रैंप है वो बना लिया है, ड्रेनेज सिस्टम भी बना लिया है देख सकते हो। ये फ्लाईओवर का देख सकते हो, ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिसमें आधी मिट्टी पड़ चुकी है, और आधे में देख सकते हो ये आर ई पैनल से लगा के और फिर इस पर मिट्टी का अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। साथ में ये ड्रेनेज सिस्टम और ये रोड़ी बजरी की लेयर डाल दी है दोस्तों। और मेरे राइट हैंड पे इस पर रेलिंग लगाई जा रही है रोड के किनारे दोस्तों। 10 लेन का ये फ्लाईओवर होने वाला है दोस्तों, यू आर टू दोस्तों बनाया जा रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ये द्वारका से स्टार्ट होगा, और ये आप लोगों को बता दूं दोस्तों, और ये जाएगा NH 44 पर, यानी कि चंडीगढ़ हाईवे से ये मिलाया जाएगा अलीपुर में जाकर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, अभी काम चल रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि जयपुर और चंडीगढ़ रोड को मिलाया जाएगा जो दोस्तों देख सकते हो, मतलब कि ये NH 48 से स्टार्ट होगा, यानी कि खिड़की दौलत है गुरुग्राम से स्टार्ट होता है, और ये अलीपुर नरेला यानी कि NH 44 पे ये मिलाया जाएगा दोस्तों। मतलब कि बाहर से ही बाहर ट्रैफिक चले जाए, जो जयपुर के रहने वाले हैं जिनको चंडीगढ़ जाना है या पानीपत सोनीपत अंबाला जाना है तो वो इस रूट का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। तो यही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। देखो ये रेलिंग लगाई जा रही है ना साइडों में, ताकि इस पर से जो जंगली जानवर है वो ना आ सके ऊपर क्रॉस करके। देख सकते हो दोनों साइडों में ही इस पर काम किया जा रहा है दोस्तों। बीच में ये ड्रेनेज सिस्टम बन गया है, साइड में देख सकते हो वो आपको बता दूं कि ब्लैक टॉप किया जा रहा है। इस पर तो ब्लैक टॉप हो चुका है दोस्तों पहले ही, लेकिन अब लेफ्ट वाली लेन पे किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दूं कि इसमें जो 6 लेन होंगी दोस्तों वो तो होंगी एक्सेस कंट्रोल्ड, और जिसमें इसमें से 4 लेन होंगी वो होंगी लोकल ट्रैफिक के लिए, यानी कि सर्विस लेन दोस्तों। और जो इसके स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं दोस्तों वो बनाए जा रहे हैं 16 लेन के हिसाब से दोस्तों, यानी कि भविष्य में इसको 3 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट कर सके, तो इसी हिसाब से ये 4 लेन का बन जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तो काम चल रहा है जोरों शोरों से UR2 का दोस्तों। और ये पैकेज 2 है जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, इस पर ब्लैक टॉप हो चुका है, अभी फिनिशिंग का काम बचा हुआ है इस फ्लाईओवर पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और यहाँ पर जितने भी है देखो ये टीम यहाँ पर अच्छा यहाँ इधर क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, अभी ये जो अंडरपास आ रहा है आगे ये भी अभी काम होने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि अभी मानसून चल रहा था तो इस वजह से काम बहुत स्लो चल रहा था दोस्तों। अब मानसून जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये बरसात के दिन जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही तेज़ी के साथ में दोस्तों इस पर काम करना स्टार्ट हो जाएगा, और दिसंबर 2024 में ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, तो अभी ये वाला अंडरपास बचा हुआ है देखो, अभी इस पर पैराफिट बॉल भी बनाए जाने हैं, और एक साइड का अंडरपास बन गया, दूसरे साइड का ये देखो
ये रैंप बनाया जाएगा, अभी आरई पैनल्स लगाए जाएंगे इसमें, फिर इसके बाद में अर्थवर्क का काम किया जाएगा, फिर इसके ऊपर फिनिशिंग का काम किया जाएगा, फिर इसमें रोरी बजरी की लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में ब्लैक टॉप किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से कि कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं अभी, और मैंने आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि जो मेरी के पी संत को जनता देखने वाली है उसको हर जगह का अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। लेकिन शर्म की बात यह है कि आप लोग ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, और जैसे ही मैं कोई अपडेट डालूँगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यही है मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो दोस्तों, अपने दोस्तों में इस तो रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले, क्योंकि जो रोडों पर जाने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में दोस्तों कि लोगों को नए नए रूटों का पता चले दोस्तों, कि किस तरीके से क्या रूट बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों दो टोल प्लाजा भी हैं, आपको बता दो, एक टोल प्लाजा तो मैंने दिखाया था, दूसरा टोल प्लाजा भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो, जो भी गलतियाँ हैं दोस्तों वो भी बताया करो, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों के बीच में अच्छे से अच्छे अपडेट लाने की मैं कोशिश करूँगा, मेरी यही कोशिश रहती है दोस्तों। देख सकते हैं ये आरई पैनल्स को लगाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये आरई पैनल्स बचे हुए हैं लगने के लिए, तो ये लगाए जाएंगे, फिर इसमें आर्थवर्क का काम किया जाएगा दोस्तों। एक साइड का रैंप बन चुका है, दूसरी साइड का देखो ये बनाया जाएगा, और देखो ये स्ट्रक्चर बन गया है, अब इसमें आरई पैनल्स लगाए जाएंगे, पहले इससे पानी को निकाला जाएगा, पानी को निकालने के बाद में आरई पैनल्स लगाए जाएंगे, फिर इसमें अर्थवर्क यानी कि मिट्टी का काम किया जाएगा दोस्तों, मिट्टी डाली जाएगी, फिर इसमें रोरी बजरी की लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में इसमें ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारे आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आप लोगों को अपडेट कहाँ का देखना है, लेकिन मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप लोगों को हर जगह के लाने की कोशिश करता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हो, एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कौन सा ही पैसा लग रहा है आप सभी का यार दोस्तों, ये बताओ। बंदे का कम से कम जज्बा देखो कि इतनी मेहनत करके धूप में, धूल मिट्टी में दोस्तों कैसे कैसे वीडियो शूट करता है और आप लोगों के बीच में लेकर आता है दोस्तों। तो इतना तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, तो इसलिए कर दिया करो भाइयों। देख सकते हो यहाँ पर ये रैंप बनाया जा रहा, आधा रैंप बन गया, और यहाँ पर जो पिलर थे वो भी बन गए हैं, उनके ऊपर देख सकते हो ये क्या पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, कनेक्ट किया जा रहा है, ये दो वाले पियर, दो ये चार पियर बचे हुए, इन पर भी पियर कैप का काम किया जाएगा, फिर इन पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को ज्वाइंट करने के बाद में फिर इस फ्लाईओवर को बना दिया जाएगा दोस्तों। तो यही है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, क्या नज़ारा है यहाँ का, और इसके ऊपर चढ़ते हैं और दिखाते हैं चल के दोस्तों। ये पैकेज टू है, और आप लोगों को आगे मुंद्र का देखने के लिए मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया, और वहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है मुंद्रका का, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे क्रॉस करेगा, वो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। देखो ये वाला बिल्कुल रैंप बनके कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो जो रैंप है ये बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गया, इसमें रोरी बजरी की लेयर भी डाल दी है, अब इसमें DBM की लेयर डाली जाएगी यानी कि ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, इसके साइडों के पैराफिट वॉल भी बन चुके हैं दोस्तों, और इस पर बस ब्लैक टॉप होना बाकी रह गया। आगे चलते हैं और आगे दिखाते चल के, अभी एक और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो भी बनाया जाएगा, तो उस पर भी अभी काम चल रहा है दोस्तों, उस पर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही हम उतरेंगे वैसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ तक ये पैराफिट वॉल बना दिए, अब इधर अभी काम किया जाएगा क्योंकि मिट्टी डाली जाएगी, अर्थवर्क का काम किया जाएगा, उसके बाद में देख सकते हो ये आरई पैनल्स रखे हुए हैं, अभी ये भी लगाए जाएंगे साइडों में, आरई पैनल्स को लगाने के बाद में फिर इस पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा, और दूसरा अंडरपास देखो दोस्तों ये आ जाता है, जिस पर देख सकते हो
इस पे पियर कैप दोनों साइड के बन चुके हैं, बस इन पे अब आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च कर देने के बाद में इस पे काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो वो उधर का भी रैंप अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ, क्योंकि अभी बरसात का सीजन था तो इस वजह से काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। देख सकते हो ये KCPL दोस्तों, यानी कि चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते कभी।